दीवार फिल्म का वो डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रटा हुआ है, जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कहते हैं कि आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। तब शशि कपूर कहते हैं कि मेरे पास माँ है। ऐसा ही एक डायलॉग महाराष्ट्र की सियासत में भी चल रहा है, जहां महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से कहती है कि तुम्हारे पास ईडी है तो मेरे पास ईओडब्ल्यू है। यह लाइन महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत में बिल्कुल फिट बैठती है। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों रिवेंज यानी बदले की राजनीति में तब्दील होती जा रही है। अब तक आपने पढ़ा और देखा होगा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इनमें सबसे बड़ा नाम शिवसेना के सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का है। संजय राउत ठाकरे परिवार के करीबियों में से एक माने जाते हैं। राउत की पत्नी वर्षा को ईडी ने फिलहाल दोबारा समन भेजकर 11 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि 4 जनवरी को जब वर्षा ईडी कार्यालय गई थी, तब उनसे तकरीबन 4 घंटों तक ईडी अधिकारियों ने पूछताछ की थी। उनसे यह पूछताछ पीएमसी बैंक घोटाला मामले में की जा रही है। संजय राउत के सहयोगी प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत के अकाउंट से 2 किश्तों में तकरीबन 55 लाख रुपए की रकम वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। यह पैसे तकरीबन 10 साल पहले वर्षा के अकाउंट में भेजे गए थे। हालांकि राउत परिवार इसे एक फ्रेंडली लोन का नाम दे रहा है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय को यह शक है कि यह रकम घोटाले की हो सकती है, क्योंकि प्रवीण राउत से ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की थी और उन्हें गिरफ्तार भी किया था। प्रवीण राउत HDIL की एक सहायक कंपनी में बतौर डायरेक्टर काम करते हैं। HDIL पर यह आरोप है कि PMC बैंक का काफी पैसा बतौर लोन लेने के बाद उसे चुकाया नहीं गया, इस कारण PMC बैंक कोलैप्स हो गया। पत्नी को ईडी का नोटिस आने के बाद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसे बदले की राजनीति बताया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई में परिवार को बीच में क्यों लाया जा रहा है। अगर मैंने बोलना शुरू किया तो BJP नेताओं को UK और लंदन में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरे पास सबकी कुंडली है। हाल ही में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने BJP विधायक प्रसाद लाड को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। यह पूछताछ तकरीबन 11 साल पुराने मामले में होनी है। प्रसाद लाड पर यह आरोप है कि उन्होंने साल 2009 में BMC में आर्थिक घोटाला किया था। इस आरोप के बाद साल 2014 में उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। प्रसाद लाड को ईओडब्ल्यू का नोटिस आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे के खिलाफ जांच एजेंसियों का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां केंद्र ईडी का इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं राज्य सरकार मुंबई पुलिस का। यह आरोप दोनों ही पक्षों से लगातार एक दूसरे के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। ईओडब्ल्यू का नोटिस आने के बाद प्रसाद लाड की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रसाद लाड पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और फडणवीस के दूसरे करीबी सहयोगी रहे गिरीश महाजन पर भी फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। BJP अब इसे बदले की राजनीति करार दे रही है। आपको बता दें कि इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के घर पर भी कुछ महीनों पहले छापेमारी की थी। प्रताप सरनाईक पर एक सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगाया गया है। इस मामले में प्रताप सरनाईक समेत उनके दोनों बेटों से भी पूछताछ की गई थी। ईडी अभी भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसके अलावा ईडी ने हाल ही में BJP छोड़ NCP में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री एकनाथ खड़से को भी नोटिस भेजा है। ईडी ने यह नोटिस भोसरी लैंड स्कैम मामले में भेजा है। इतना ही नहीं, ईडी ने चुनावों के पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा और भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार को भी नोटिस भेजा था। हालांकि शरद पवार खुद नोटिस के बाद ईडी कार्यालय पहुंच गए थे और तब ईडी अधिकारियों को यह कहना पड़ा था कि हमें जब जरूरत होगी तो आपको बुलाया जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही यह बदले की राजनीति बेहद ही खतरनाक मोड़ पर जाती हुई नजर आ रही है। मौजूदा सियासी घटनाक्रमों को देखते हुए इस रिवेंज पॉलिटिक्स का कोई अंत निकट भविष्य में
नजर नहीं आ रहा है। खैर, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई में जनता का नुकसान नहीं होने पाएगा।